हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी रेसिपी है बेसन का हलवा। तो ये जो विंटर्स हैं उसमें कुछ कफ कोल्ड बच्चों को बहुत दिक्कत रहती है, तो ये हलवा जो है सर्दी से, खांसी से, अगर कोई भी कोल्ड की दिक्कत है तो अगर बना के खिलाएं बच्चों को बहुत अच्छा और बहुत टेस्टी भी बहुत बनता है, और कोल्ड वगैरह की कोई भी दिक्कत से बच्चों को बहुत आराम मिलता है। तो परफेक्ट हलवा जो है, चाहे आटे का हो या बेसन का, सूजी का, तो उसको बनाने के कुछ ट्रिक्स हैं, टिप्स हैं जो यहाँ पे मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले घी में बेसन को भून लिया है हमने, तो घी डाला है, घी मुझे घी में बेसन डाला 1 कटोरी, लेकिन जो घी है थोड़ा कम लग रहा है। तो अगर स्टार्टिंग में ही ऐसा ड्राई टेक्सचर होगा तो आगे जाके जो हमारा हलवा है वो ड्राई ही बनेगा। तो सिंपल जो स्टेप्स हैं वो यही है कि घी इतना होना चाहिए कि पूरा लिक्विड जो है, अगर आप अंदाजे से बना रहे हैं तो, अगर कटोरी के साथ मेजरमेंट करते हैं तो भी जो है 1 कटोरी बेसन में 1/4 कटोरी घी तो जाएगा ही जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा है कि घी को डाला कम लग रहा था मेरे को थोड़ा सा, तो लिक्विड जो है उसकी कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए, तो थोड़ा सा घी और ऐड कर रही हूँ। अंदाजे से भी बहुत अच्छा हलवा परफेक्ट बन के तैयार होता है। 1 कटोरी अगर आप बेसन ले रहे हैं तो उसमें चीनी भी 1/4 कटोरी जाएगी, कुछ एक से कुछ कम। तो यहाँ पे देखिए, अब हम लिक्विड कर लेते हैं इसको, इसकी कंसिस्टेंसी देखिए आप, लिक्विड है, क्योंकि आगे हम पानी डालेंगे, चीनी डालेंगे तो ड्राई हो ही जाना है इसने। और बेसन जो है उसकी सबसे जो बड़ी जरूरी बात है, अगर बेसन का हलवा या बेसन की पिन्नी बनानी है तो बेसन को मीडियम फ्लेम पे भूनें। अगर आप तेज पे भूनेंगे बेसन पक तो जाएगा लेकिन वो कच्चापन नहीं जाता उसमें, यही आटे में होता है। जितना प्यार से, जितना आराम से, और मीडियम फ्लेम पे अगर हम, ये तो स्पीड बढ़ाई हुई है मैंने, तो ऐसे लग रहा है कि बड़ी जल्दी भुन गया है। तो इसका कलर होते होते जो येलो से जो है गोल्डन ब्राउन में, जब तक पूरी तरह गोल्डन ब्राउन नहीं आ जाता, डार्क गोल्डन ब्राउन, तब तक हम इसको मीडियम फ्लेम पे भूनते रहेंगे और लगातार चलाते हुए, नहीं तो बेसन जो है वो तला पकड़ लेता है। भारी तले का पैन में अच्छे से इसको चलाते रहेंगे। तो ये देखिए कितना लिक्विडी कंसिस्टेंसी है इसकी, कुछ ड्राई नहीं है ये, कुछ घी छोड़ देता है बेसन भुनने के बाद, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब हम पानी चीनी डालेंगे तो सब एडजस्ट हो जाएगा। तो हलवा जो है वो हमारा ऐसा अच्छा बन के तैयार होता है, क्रीमी, और अपने साइडों को खुद ही छोड़ देता है। अभी जब ये आटा जो साइड से चिपक रहा है, जब ये पूरी तरह तैयार हो जाएगा तो पूरा गोल गोल घूमने लग जाता है, और यही एक परफेक्ट हलवे की निशानी है। तो अभी हम इसमें डाल रहे हैं चीनी, पूरा भुन चुका है, और अब हम फ्लेम को फुल करके और फुल फ्लेम पे चलाते हुए लगातार पानी डालेंगे। 1 कटोरी में, कटोरी से थोड़ा ज्यादा ही पानी डालेगा, तो अच्छे से लगातार अब हम इसको खूब बिना रुके हिलाना है, जब तक ये सारा पानी और चीनी जो है एक साथ नहीं आ जाते। बिना चाशनी के बहुत परफेक्ट हलवा बनता है, कोई चाशनी बनाने का झंझट नहीं। सिंपल आटा भुने, चीनी डालें और गर्म फुल फ्लेम पे पानी डाल के और चलाते रहें, अपने आप ही चाशनी तैयार हो जाती है। तो 5-7 मिनट लगते हैं इसको अच्छे से हिलाते रहें बिना रुके। तो हिलाते हिलाते जब ये साइडें खुद ही छोड़ देगा, अगर घी इसमें पूरा प्रॉपर डला होता है तो सारा हलवा जो है वो एक साथ इकट्ठा होके सेंटर में आ जाता है और गोल गोल घूमने लगता है, और यही निशानी होती है एक परफेक्ट हलवा बनने की। तो ये जो है, ये देखिए सारी साइड्स छोड़ दी हैं इसने, और पूरी तरह से कढ़ाई जो ऐसा लगेगी कि आपने साफ ही करके रखी हुई है इसको। तो ये सारा हलवा एक साथ घूम जाएगा, और अब हम इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट्स।